जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप यदि ध्यान दोगे तो यूनिट वन क्या होगा, यूनिट वन आपका क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। और आपको पहले से पता है कि 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। मीन्स 30% का मतलब इस चैप्टर से भी कुछ टॉपिक्स गायब कर दिए गए। कौन सा टॉपिक गायब किया गया था? पहला जो टॉपिक था पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी तो चेंज नहीं होनी है, बस आपको पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी नई नहीं आनी है, आपको उसी एनसीईआरटी को यूज करना है। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको हमें डिस्कस नहीं करना है। तो कौन सा टॉपिक बनाया गया यहां से? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमें नहीं पढ़ना है बेटा, इसे हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रखना। हमें पढ़ना क्या है? तीन टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक क्या था इसमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये पढ़ना है। थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये हमें पढ़ना है बेटा। दूसरा क्या पढ़ना है? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है। थर्ड क्या पढ़ना है बेटा? थर्ड हमें पढ़ना है, आपको याद होगा, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। ये तीन चीज हमें जब पढ़नी है इस पूरे टॉपिक में। तो बेटा बिल्कुल आप ध्यान रखना, नई एनसीईआरटी के चक्कर में ना पढ़ना, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी ही आपकी चलेगी, उसी को हमें फॉलो करना है। जो चैप्टर हटाया गया है उसको आप बाहर करो और अपने काम को आसानी से करो। बट यदि कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है, नॉलेज ज्यादा चाहता है, तो एक बार उनके कॉन्सेप्ट्स को जरूर देखने का। तो काफी अच्छी चीजें थी। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली एचसीएफ के लिए लोग यूज करते थे, कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, डिस्कस करेंगे। एंड प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी पहली क्लास जब करी थी, तभी भी करी थी, तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया होगा। सब लोगों को नंबर्स क्लियर होगा, जैसा कि मुझे जहां तक कंफर्म। तो नंबर्स का मतलब क्या था बेटा, फटाफट मैं रिवाइज कर रहा हूं। नंबर्स का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नंबर। सभी लोग अपनी कॉपी में ये ट्री जरूर बनाना। इस ट्री को बना लोगे दोबारा कभी लाइफ में ट्री बनाने नहीं पड़ेगी। तो मींस नंबर्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, रियल एंड इमेजिनरी। बेटा इमेजिनरी से आपका अभी कोई रिश्ता नहीं है, इमेजिनरी अभी आपको टच नहीं करना है, ये क्लास 11 में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब पढ़ोगे। लेकिन पहचानने के लिए क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर यदि निगेटिव नंबर लिखा है, लाइक एज माइनस रूट टू, माइनस रूट थ्री, ये सब क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे। उसके बाद इनके अलावा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, रियल। मतलब रियल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जिसको नंबर लाइन का आप रिप्रेजेंट कर देते हो वो होता है इमेजिनरी, जिसको नहीं कर पाते वो होता है। उसी तरह से रियल नंबर के तरीके होते हैं, दो तरीके के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, सबने बचपन से पढ़ा है, पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए। जो p by q की फॉर्म होगा, बाय प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर होगा। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। मतलब रियल दो तरीके का, जो रैशनल है p by q की फॉर्म, जो रैशनल नहीं है इरेशनल। अब रैशनल कितने टाइप्स का होगा, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। अब इंटीजर कितने टाइप्स का बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइन। ये सब चीजें मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं बेटा, इसको आपको रिवाइज करना है और अपने दिमाग में बैठाना है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर जीरो टू इन्फिनिटी। ये आपका पूरा इंटीजर ऑन द बेसिस ऑफ साइन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचुरल नंबर सबने पढ़ा है, होल नंबर, इवन और ऑड, परफेक्ट नंबर बताओ, नहीं पढ़ा है, बट इस वे में नहीं पढ़ा होगा। आपसे कोई पूछता इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, बस फटाफट मुंह खोलना शुरू,
सर रियल नंबर होल नंबर ये सब एक तरफ से हो गए, बट आज की बात नहीं होगी, इंटीजर केवल दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइन। साइन के बेसिस पे पांच टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर तीन या चार टाइप होते हैं, जो भी होते हैं बता दीजिए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कैसे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। दिस इज आवर सिलेबस ऑफ 10th क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ये हमें पढ़ना है बेटा, ये हमें पढ़ना है, ये हमारे क्लास 10th में है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पानी की तरह हम पढ़ना चाहिए क्लास 10th में। ये सारी चीज क्लास 8 और 9th में पढ़ चुके हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ये आप क्लास 9 तक पढ़ चुके हो, ये आपको 10th में पढ़ना है। क्लियर एकदम फंडा, एनसीईआरटी का फंडा एकदम क्लियर होगा, जो क्लास 8 में पढ़ा है उसको हम 9th में ही पढ़ते हैं बट उसका यूज करते हैं, जो 9th पढ़ा है वो हम 10th में नहीं पढ़ते बट उसका यूज करते हैं, जो 10th में पढ़ रहे हैं 11th में नहीं पढ़ेंगे बट 11th में क्या करेंगे उसका यूज करेंगे। इसी बीच एनसीईआरटी पर बंद होंगे सारी एनसीईआरटी, यदि आप पढ़ लेते हो क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो मीन्स आपके पास नॉलेज फूट फूट के भर जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी ही वन ऑफ द बेस्ट बुक, और कोई दूसरी बुक को हम इस्तेमाल नहीं। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, किसी भी बुक से उठा लो, किसी भी नेट से उठा लो, जो मन करे वो करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही नंबर आएंगे, जिसको भी नंबर लाना है। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा 10th के टॉपिक्स पे, जो पहला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक्स, बिल्कुल दिमाग बैठा लो, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक्स। कुछ नहीं है बेटा, सब करके आए हो, सब लोगों ने किया है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नहीं किया है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक्स क्या है बेटा, कौन बताएगा, किसी को याद है, कोई नहीं बोलेगा, द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक क्या होता है बेटा, एरिथमेटिक्स उसको बेसिकली आप सिंपल सा कोई कंपोजिट नंबर ले लो, कोई भी कंपोजिट, एग्जांपल समझो मैं मैटिक्सन बोल दूंगा, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, हाँ ठीक 12 ले लेते हैं, हमने 12 ले लिया, दैट इज कंपोजिट नंबर, बिल्कुल आप अपने दिमाग बैठा लो, करके आया हो क्लास 8 में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं क्लास 8 में किया है नहीं से, मैं 10th में पढ़ा रहा हूं क्लास 8 की चीज बता रहा हूं, तो 12 इज अ कंपोजिट नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब बोलो सर फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम से क्या लेते हैं, कोई रिलेशन नहीं होता, आप 12 का एलसीएम निकालना चाहते हो कैसे करते थे, करो वैसे सबसे पहले क्या करते थे बेटा, सबसे छोटा नंबर ले लेते, कैसे लाओ, तो देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप करोगे, 2 6 क्या, फिर 2 से 2 3 क्या, अब देखो ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से होगा, क्यों ऐसा क्यों करते थे, यहां देखो सारे प्राइम नंबर्स होते थे, उधर दिखने होते थे बेटा, जब आप एलसीएम निकालते थे तो आप पता चलता प्राइम नंबर की फॉर्म में डिवाइड करो, किसी को किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करो और उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो, तो मींस एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गया, कैसे 2 × 2 × 3। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, अच्छी बात है, तो ये क्या हो गया है, यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बेसिकली है क्या, अ कंपोजिट नंबर ब्रेक्स इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्राइम नंबर्स, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर, इतना ही करना है, और ये मैं आज नहीं सिखा रहा हूं, ये आप पहले सीखे हुए हो, किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक करना सब लोग जानते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं 144, तो बेटा इसका क्या होगा, कैसे करोगे, सबसे पहले थोड़ा केवल प्राइम नंबर ही लेते हैं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, इस तरह के नंबर हम लेते हैं जब हम ये काम करते हैं, तो सबसे पहला छोटा नंबर क्या होता है बेटा, 1 होता है, 1 का कोई मतलब है नहीं, क्यों, मैंने क्या बोला प्राइम नंबर, और व्हाट इज वन, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट,
तो वन तो हम लेते ही नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है ही, सही बात। उसके बाद पहला प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, टू। व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, टू। तो मींस सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू से चेक करते हैं। तो टू से डिवाइड करो 72, टू से डिवाइड करो 36, टू से डिवाइड करो 18, टू से डिवाइड करो 9, फिर 3 3 9, 3 1 3। तो मींस अब आपको समझ में आना चाहिए ये 2 2 2 2 2 2। अब मैं यदि बोलूं इसका प्राइम मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम्स क्या होगा, 144 इज इक्वल टू, सभी लोग लिख लेंगे फटाफट, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। अब यहां पर देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्यों लिखते हैं, क्योंकि जितने भी मल्टीप्लिकेशन है सब प्राइम नंबर है, 2 2 2 2 सब प्राइम नंबर है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं ऐसे लिखूंगी, 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 की स्क्वायर। अब बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे सर यदि उसको सॉल्व कर दे तो 16 हो जाएगा, हम गलत हो गए बेटा। आपको सॉल्व भी नहीं करना, आपको ये करना है प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है, पावर से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है, ये प्राइम नंबर है, बेस बेस को चेक करना है, बेस यदि प्राइम नंबर है दैट इज अ फॉलो द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। तो मींस अब आपको डिफिनेशन समझ में आ रही होगी, मैं डिफिनेशन रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। डिफिनेशन क्या बना सकते हो आप सर, बोल सकते हो सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स मींस अ कंपोजिट नंबर ब्रेक्स इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्राइम नंबर, अ कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रेक इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्राइम नंबर। लिख सकते हो सभी लोग, इजिली लिख सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, जितना आप ध्यान रखो। देखो डिफिनेशन रटोगे बहुत टाइम लगेगा, समझोगे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखोगे कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप रट के काम करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह से मैं आपको इन द वेरिएबल फॉर्म बता दूं, एक डिफिनेशन ही मान लो, एक जनरलाइज फॉर्म, जैसे जनरलाइज ना कहते हैं सबके लिए फॉलो करेगा। तो लेट्स एज्यूम दैट, चलो हम लोग मान लेते हैं x इज अ कंपोजिट नंबर, x इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, x क्या है कंपोजिट नंबर। तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं बुक से लिख रहा हूं, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही लिख रहा हूं लेकिन मेरी लैंग्वेज है ये। इसी तरह आपकी अपनी लैंग्वेज हो सकती है लेकिन चीज वही होनी चाहिए। मीन्स लेट x इज अ कंपोजिट नंबर, देयर प्राइम फैक्टराइजेशन दिस, या देयर मत देयर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक नंबर है x इज अ कंपोजिट नंबर, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स p1, p2, p3, pn, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स p1, p2, pn आर पॉजिटिव। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम्स, बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम्स p1 × p2 × p3 × …pn। बेटा ध्यान रखना, बेस में हमेशा, बेस हमेशा जैसे बेस, ये बेस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, बेस हमेशा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, बेस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा प्राइम नंबर होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम्स फॉलो नहीं कर रहे हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पे। सपोज आपको एक नंबर हमने दे दिया 90, और हमने बोला फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम्स का यूज करके फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखो। सिंपल सा, इतना लंबा हमें नहीं बोलना होगा बेटा, ये सब नहीं बोलते फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, ये बिल्कुल बेकार की चीज है, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बताया जा रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपकी बुक में लिख दिया गया। सीधा सा मैं बोलूं प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, दैट इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलना आसान है या ये बिल्कुल नहीं। आप जिसमें देखो हमारा काम है मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, नॉट अ मैक्सिमम एफर्ट एंड सिली आउटपुट। हमारा काम है, हमें कम काम करना है अच्छा करना है,
क्योंकि दुनिया लेवल की तरफ मूव नहीं कर रही है, अब दुनिया स्मार्टनेस की तरफ जा रही है। आप स्मार्ट तभी बनोगे जब आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दोगे। इसको ध्यान में रखकर अपना काम करना कभी भी, बहुत अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। 90 व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, सभी लोग कर लोगे, कैसे करोगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हम प्राइम फैक्टर ही लेंगे बेटा, उसमें भूल जाओ। सबसे पहले क्या लेंगे? वन नहीं लेंगे, वन इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, टू इज द फर्स्ट प्राइम, 245। आफ्टर दैट अब देखो टू से कैंसिल आउट होगा, नहीं पहले देखो टू से नहीं होगा। अब दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 3 से करो बेटा, 315 जा 45, फिर देखो 3 से होगा, होगा 5। अब बोलोगे सर 3 से भी नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम, देखो 4 नहीं लेंगे, क्यों? 4 इज नॉट अ प्राइम, 4 तो प्राइम नहीं है। नेक्स्ट प्राइम क्या है? 5, तो 5 से कैंसिल आउट होगा, हो गया बेटा। बस फटाफट इसको लिखो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, 3 × 3 × 5। अब कोई इसमें करना चाहे, देखो हमारी कंडीशंस क्या थी, बेस में प्राइम होना चाहिए, बेस में प्राइम होना चाहिए, बेस में प्राइम होना चाहिए। अच्छा क्वाइट गुड। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं, 432 आपको और क्लियर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 432 कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले वही चीज, वन इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, टू द फोर, टू वन का सब लोग करना जानते होंगे इसे, 2 × 1 = 1, क्योंकि क्लास 6 में किया है, 8 में किया है, फिर 2 × 1 = 0, फिर 2 × 5 = 2, फिर 2 × 27, फिर बेटा अब देखो 2 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 × 9 = 9, फिर 3 से जाएगा। हमने 9 को नहीं लिया बेटा, क्योंकि हमने बताया है 9 हम नहीं ले सकते, 9 इज नॉट अ कंपोजिट, 9 इज अ कंपोजिट, हमें प्राइम लेना है, 3 × 3 = 9, तो 3 लो। अब यदि ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3। दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो मींस बेटा यही हमें करना था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ब्रेक करना था, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आप इसे रिवाइज करिएगा, हम आपको बोर्ड वाले एक क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छा सा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड में आते हैं। बेटा देखो हमारा काम बिल्कुल ये नहीं है, हम ये चाहते हैं आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट गेन करो। यू मेक टू बी अ स्मार्ट नॉट अ लेबर, क्योंकि लेबर की कोई इज्जत नहीं है, आप देखते ही होंगे लेबर सबसे ज्यादा काम करता है, पैसा सबसे कम करता है। ओके बेटा, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।